बात करते हैं एक और नए टॉपिक की, और इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूंगा दो और क्लासेस के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कलेक्शन के अंदर आपके फ्रिक्वेंटली यूज होंगी, राइट। इन क्लासेस का नाम है, एक का नाम है कलेक्शंस। क्या नाम है? कलेक्शंस। देखो, जो अभी हमने डिस्कस किया था वो था कलेक्शन। अगर कलेक्शन है बोला गया है तो इसका मतलब वो इंटरफेस है, बट अगर साथ में एस लग गया है तो इसका मतलब ये क्लास है, और ये यूटिलिटी क्लासेस है। ये सारी आपको जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ही मिलेगी, जहां पर बाकी कलेक्शन आपको मिलता है। मैप भी यहीं पर है, आपके एरे लिस्ट है सेट वो भी यहीं पर है, और ये जो यूटिलिटी क्लासेस की बात बता रहा हूं मैं, ये भी यहीं पर है। पहली क्लास है कलेक्शंस, दूसरी क्लास है एरेज। कौन सी क्लास है? एरेज। ये दोनों यूटिलिटी क्लासेस हैं, इनके पास जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे स्टैटिक मेथड्स हैं, यानी डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल होने वाले हैं। और मेथड्स हैं किस टाइप के, जैसे कि आपको किसी कलेक्शन को शॉर्ट करना है तो आप कलेक्शंस क्लास के अंदर आपको इस तरह के मेथड मिल जाएंगे। किसी एरे को शॉर्ट करना है तो एरेज क्लास के अंदर ऑलरेडी मेथड्स अवेलेबल है जिनका यूज करके आप उन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कि एरे लिस्ट को आपको एरे में कन्वर्ट करना पड़े या एरे को एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़े, तो भी इन क्लासेस का यूज हो सकता है, राइट। तो ये यूटिलिटी क्लासेस हैं, जावा पी करके आप इनके मेथड्स देख सकते हैं, और या फिर कई बार कलेक्शन को सफल करना पड़ता है, हमें रीसेट करना पड़ता है वैल्यूज को, तो भी आप इनका यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये मुझे बताना था आपको ताकि आपके यूज में कहीं ना कहीं हो जाएं, और अगर होने हो तो आपको पता लग जाए, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट।